नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं रेगलान लाइन डिज़ाइन टॉप टू डाउन बताने जा रही हूँ। जब हम गले से स्वेटर बनाते हैं तो बाजू पे बनने वाला ये डिज़ाइन है, तो इसके लिए मैंने 15 फंदे डाले हैं और ये सामने की तरफ से है और पहला लाइन बॉर्डर बनाने के बाद से, तो 3 फंदा सीधा बुन लेंगे, 1 2 3, फिर ऊन को अपनी ओर करेंगे और 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4, और अब ऊन अपनी तरफ ही रखे रहेंगे और अगला फंदा सीधा, फिर ऊन दूसरी तरफ ही रहेगा और 4 फंदे हम उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4, और लास्ट के 3 फंदे हैं उसे हम सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुन लिए जाएंगे। रॉन्ग साइड से हर लाइन में सभी फंदे उल्टे ही बुने जाएंगे। थर्ड रो और फ्रंट साइड 3 फंदा सीधा, फिर 4 फंदा उल्टा। अब ऊन अपनी ही ओर रहेगा और 3 फंदे हम सीधा बुनेंगे। देखिए यहाँ जाले देने से 2 फंदे बढ़ गए हैं, तो अब 3 फंदे सीधा देंगे, यानी जाले देते हुए 3 फंदा सीधा, और ऊन दूसरी तरफ ही रखे रहेंगे और 4 फंदा सीधा, सॉरी उल्टा बुनेंगे, यानी जाले देते हुए 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, और लास्ट के 3 फंदे सीधे। रॉन्ग साइड से सभी फंदा उल्टा। पांचवी लाइन और सामने से 3 फंदा सीधा, फिर 4 फंदा उल्टा, और फिर यहाँ पे 5 फंदे हो गए हैं, तो जाली देते हुए 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5। अब ऊन दूसरी तरफ ही रखे रहेंगे और 4 फंदा सीधा बुनेंगे, यानी जाली देते हुए सीधा, 1 2 3 4, और लास्ट के 3 फंदे सीधे। रॉन्ग साइड से सभी फंदा उल्टा। सेवेंथ रो और रॉन्ग राइट साइड 3 फंदा सीधा, फिर 4 फंदा उल्टा। अब उनको अपनी तरफ ही रखे रहेंगे, 7 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और उन दूसरी तरफ ही रखे रहेंगे और 4 फंदा सीधा, सॉरी 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4, और लास्ट के 3 फंदा सीधा, और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। नाइन्थ रो और फ्रंट साइड 7 फंदा सीधा, ये 3 फंदे किनारे के जो हम बुन रहे थे वो तो हम सीधा बुन ही रहे हैं, और यहाँ पे 4 फंदे सीधे, ये देखिए जाली, देखिए 4 जाली बन गई है, 1 2 3 4, तो अब हम इन 4 फंदों को भी सीधा ही बुन लेंगे, 1 2 3 4, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 9 फंदे इकट्ठे हो गए, तो अब हम उन अपनी ओर करेंगे और 4 फंदा उल्टा बुन लेंगे, 2 3 4, और अब उन अपनी ओर रखे रहेंगे और अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, फिर उन दूसरी ओर ही रहेगा और अगले 4 फंदे उल्टे, यानी जाली देते हुए उल्टा, 3 4, और अब ये 4 फंदे और लास्ट के 3 फंदे, इन 7 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। 11वीं लाइन और सामने से 7 फंदा सीधा, 2 3 4 5 6
सात, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार। अब ऊन को अपनी तरफ ही रखे रहेंगे और तीन फंदा सीधा बुनेंगे, यानी जाले देते हुए सीधा, एक दो तीन, और ऊन दूसरी तरफ ही रहेगा और अगले चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, और लास्ट के सात फंदे सीधे और रॉन्ग साइड से सभी फंदा उल्टा। तेरहवीं लाइन और सामने से सात फंदा सीधा, चार पाँच छ सात। और देखिए फ्रेंड्स, ये दो लाइन हो गया है, ऐसे हमको चार लाइन बनाना है, यहाँ पे चार जाली हो जाना चाहिए। तो ऊन अपनी ओर करेंगे, चार फंदा उल्टा, ऊन अपनी ओर ही रखे रहेंगे और पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच, और फिर ऊन दूसरी ओर रहेगा, चार फंदा उल्टा और लास्ट के सात फंदा सीधा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। पंद्रहवीं लाइन और सामने से सात फंदा सीधा बुनेंगे, और फिर चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, और ऊन अपनी ओर ही रखे रहेंगे और सात फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छ सात। और अब ऊन दूसरी ओर रहेगा और चार फंदा उल्टा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चार लाइन बन गया है, उल्टे फंदों की चार लाइन, एक दो तीन चार, यानी ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। तो ऊन दूसरी ओर रहेगा, चार फंदा उल्टा और लास्ट के सात फंदे सीधे और रॉन्ग साइड से सभी फंदा उल्टा। सत्रहवीं लाइन और सामने से, देखिए फ्रेंड्स, ये चार लाइन बन चुका है, यानी डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आपका चार जाली बन गया है, एक दो तीन और चार, यानी ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। तो अब हम ये किनारे सात फंदे सीधे बुन रहे थे, अब चार फंदा ये भी सीधा में ऐड हो जाएगा, यानी कि 11 फंदे अब हम सीधे बुनेंगे, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और 11। और अब यहाँ पे हमारे पास सेंटर में 9 फंदे इकट्ठे हो गए हैं, तो उन अपनी ओर करेंगे, चार फंदा उल्टा बुनेंगे, तीन चार, और अब उन अपनी ओर ही रखे रहेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, उन दूसरी ओर रखे रहेंगे और अगले चार फंदे हम उल्टा बुनेंगे, यानी जाली देते हुए उल्टा, दो तीन चार, और अब किनारे के सात फंदे और ये चार फंदे, यानी 11 फंदे अब हम उसे उल्टा सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ये चार जालियां बीच में इकट्ठी हो जाएंगी, चार जालियां यहाँ पे बन जाएगी, तो बीच में 9 फंदे हो जाएंगे, तो ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। अब जो है ये चार फंदे भी साइड में आ जाएंगे और इन 9 फंदों में से चार फंदा इस साइड में उल्टा बुना जाएगा और चार फंदा इस साइड में उल्टा बुना जाएगा और बीच वाले सेंटर फंदे के दोनों तरफ जाले बनना शुरू हो जाएगा। इस तरह ये डिज़ाइन आगे बढ़ता चला जाएगा, जितना आपको लंबा बनाना हो, अपनी आस्तीन की लंबाई रखनी हो, उतना लंबा आप बना लेंगे। तो डिज़ाइन आपके सामने है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में अप्लाई कीजिए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।